चारों पांच सुन मेरे कपड़े पाड़ गए, मेरे को पकड़ लिया। गुरदीप तेरे सम्मान में सर्व समाज मैदान में बिना मां की बच्ची को मार दिया जी। आप आरोपियों गिरफ्तार लेकर क्या कर रहे हैं? क्यों दबाव बना रहे हैं आप? इनके ऊपर दबाव कहां गए? गाड़ी यहीं खड़ी कहां गए बताओ? बोले पापा मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, पापा आपको मार देंगे। मन कोजी कोजी गाल काटी में सुन बोगरी में क्यों बोल लो? राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ सूरजगढ़ शहर के अंदर ही, अभी पहुंचे हाँ सूरजगढ़ थाना के सामने खड़े हाँ। मामलो कठिया को है, सूजडोली गांव है सूरजगढ़ को ही। आप बात कर लें तो 17 तारीख की रात की बात है कि जो सुरेश जी है लड़की का पिताजी है गुरुदीप, और गुरुदीप है भी की डेथ है वह हो चुकी है। के कारण डेथ हुई है? परिवार भी है, गांव का लोग भी है, सरपंच जी भी है। आऊँ आप बातचीत करांगा, जानांगा कि पूरे मामलों के है। अभी आपने साथ में बच्चे ही वहाँ का पिताजी ही, ये टाइम की तो बात है। और थरी पहले उनकी रंजिश चल रही? पहले से मेरी कोई रंजिश नहीं थी। स्कूल का पड़ोसियों के बच्चों का झगड़ा था आपस में, और हमारा भांजा रहता वहाँ, उसको उठाने के लिए आ गए। वो उन बच्चों के साथ चला गया, बोले कही भाई आप समझौते के लिए भाई आप ऐसा मत करो। तो उसके लिए मतलब वो रात को आ गए मारा पिट्टी करने के लिए। मैं दुकान बढ़ा कर मारा पिट्टी करने के लिए ये कहीं आ गया? पहले कुछ बात तो हुई? पहले उनके आपस में गाली गलौज स्कूल में हुआ, मेरे को नहीं पता क्या मामला। मेरे पास फोन आया मिंटू का, बोले आपका भांजा गाली दे रहा है। बोले तू आज या सुबह बैठ के ना बातचीत कर लेंगा, ये तू तेरे घर आ रहा आराम से, टाइम गलत हो रहे है। उसने क्या करो कि मैं जैसे ही दुकान बढ़ा के मैं भांजे ने घर चाल के पूछा भाई के बात हुई, तो दुकान बढ़ा के ने और घर की तरफ आ रहा था, तो उस भांजे को पकड़ करके चार पांच आदमी घसीट कर ला रहे थे। मैंने कह रहा क्या कर रहा है मिंटू, क्या कर रहा है? उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने उनने चार पांच उन्हें मेरे कपड़े पाड़ गए, मेरे को पकड़ लिया। जब वो लड़की अंदर से दोनों एक साथ बाजी, दोनों बहन तो वो आई, दो बेटी हाँ, दो लड़की एक लड़का है छोटा। और आंटी जी? आंटी जी 2007 में खत्म हो गई थी जो हूँ वो सब कुछ। बिना माँ की बच्ची को मार दिया जी। जब उस लड़की को उसने धक्का मारा, कौन मारा धक्का? दो ने पकड़ लिया, मिंटू ने धक्का मारा। जैसे वो गिरी गिरते ही मतलब पागल हो गई एकदम, बोले पापा मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, पापा आपको मार देंगे, अंदर चलो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतनी देर में मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वो लोग वहां से चले गए। फिर उसको लुहारू लेकर धक्को कौन मारे हो थारी बेटी के? मिंटू ने मारा। तो मिंटू एक मैन लीडर भी? मिंटू और एक वो रविंद्र है और एक प्रदीप, तीन है मैन। तो कितना बंदा आया था? 7। अरे थारे गांव का ही है? गांव का ही है। बच्ची को तो, बच्ची का तो कोई लेन देन ही नहीं, बच्ची का तो कोई झगड़ा ही नहीं था। घर पर मारने आए बच्ची को, इन्होंने कोई या तो गोड्डा लगाया या कोई बच्ची को किसी तरीके से मारा गया। बच्ची को कपड़े ही ले गए मेरे पार करके, 10,900 रुपए थे दुकान का कैश, वो साथ ही गया उनके, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। और जब मतलब मैंने कोशिश की उस लड़की को बचाने की, अंदर ले आया और लुहारू लेकर गए, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी उसको, बोले सुबह ले आना चेक कराना। सुबह गए हम चेक कराए तो बोले ये डिस्प्रेशन में आ रही है और ठीक हो जाएगी, दो दिन इसको मतलब मोटिवेशन करो आप, समझाओ बुझाओ अच्छी तरह से रखो किसी ऐसे। नहीं तो डिप्रेशन मारे ही तो के बोल रहे हैं कुछ बस बोल पापा रहे? मेरे को बचा लो, आपको मारेंगे आप मत जाओ। जैसे डॉक्टर दिखा तो आप दिखे, तो उनको भी यही बोल रहा था पापा ये मारने के लिए आए, मार देंगे हमें, मार देंगे। हाँ 17 तारीख को घटना घटी, सुबह की बात है, उसकी डेथ सुबह हुई है। जब मैं पिलानी लेकर, हाँ कल सुबह जैसे ही पिलानी लेकर गए तो उन्हें मृत घोषित कर दिया, मारने पीटने के लिए पौने 9 बजे आए थे। तो थरे भांजा के साथ कोई रंजिश ही तो बाहू मतलब बातचीत करके या प्यार प्रेमों की कौन सुलझाई? रंजिश की आपस की नहीं, बामलो हो जाए आपस को नहीं। स्कूल में टॉपर लड़े अब कोई बात ही कोई नहीं, बेंगली था वो, कोई स्कूल में टॉपर को मैटर, बच्ची को और बाप को रहा तो कोई मैटर ही कोई। सातों सातों दारू पिए हुए थे, दारू नशे में आए आते साथ गद्दम पट्टी, गद्दम पट्टी बच्ची बाहर लिखी बाहर लिखे धक्का मारा, धक्का मारते हाथ बच्ची एकदम चिल्लाया पापा पापा बजाल, बच्ची पागल हो गई डिप्रेशन में चली गई। बीच में क्या बात हो गई है? मार बात बीच में कोई बात थे? कौन सी क्लास में? मैं तो फर्स्ट ईयर अटपड़ होने में पढ़ोई को नहीं मां जन्म वांग नहीं रह रही हूं जन्म वांग नहीं। तो थारे बीच में की क्या बात है जो को मेरी कोई पहला मारे घर रात में बढ़ गया भाई कहते दारू बेचो मैं कोई मैं मत बल्कि 7-8 महीना हो गया सब बातन मैं बढ़ गया रात ने मारे घर मारा कुट्टी भी करी जे टाइम पर सरपंच आयो को नहीं कोई सरपंच को नहीं आऊंगा मैं बिल्कुल 1% भी को नहीं नटियो बुलाया सरपंच। हाँ सरपंच ने बुलाया सर हम आयो को नहीं क्योंकि हाँ सोच के मन सके भाई है बात सगला सको जी सोच के जो आयो को नहीं आता फिर सुबह मैंने फोन दूसरे फोन पर फोन आयो गाल काटी मन में सुन बोक रहे हुई कौन काटी गाल जो मिंटू अपन काटी फिर मैं मामो बे मन थोड़ी सी बार मन घर बुरा बार आज मेरी को गलती को उठ गया मैं बोलूं वो फिर मन ठावन लाई बार मामो दुकान बढ़ाई आयो मामो आया जो मामो छोटो छोटो आठ मेरे लागे आठ मारी ये थारा इस एक तो माथा पर लाग रही है आंख निकल नीचे आठ है बैठी एक आठ आठ लाग रही मामो आयो मामो आयो जो मामो छोड़ दो बीच में
जब माँ में कपड़ा कपड़ा पार दे पीसा पासा ले लिया बाबाई आई का छोड़ दे पापा छोड़ दे पापा बच्चों सही भाई बेटी तो हाँ मिंटू धक्को मारियो धक्को मारते छोरी पड़ गई फिर बस छोड़ दे पापा रे ना मारो मेरे पापा ना बात करी वा जब मैं बठुआ बैठे डेट होगी मैं सरपंच ने फोन करियो सरपंच बोलियो कोई बात को नहीं सट लिया घर आ जाओ ठीक है बच्ची मेरी अब कोई एक बात लगाओ थे दिमाग में कतर कह बहंगी बेटी है बेटू मारा जब हम किसी की बीतते बात आए तो सरपंच जी आ रहे हैं मेरा सरपंच ने वोट चाहिए आदमी कोई लड़की की कोई वैल्यू को नहीं। सुबह में मिंटू ने मेरे पास फोन किया बोलो कि आप मुकदमा करने की कह रहे हैं। मैंने किसी को कोई मुकदमे की नहीं कहा बोले आप मुकदमा करने कह रहे हैं मुकदमा लगाओ 376 का लगाना आपकी लड़कियों की छेड़छाड़ का। अरे मेरे को यार फोन काट मेरी लड़की परेशान है मैं को उसको बचाने में लग रहा हूँ। अपने साथ में गांव का सरपंच जी भी है। मैं सुबह पहुँचो 11 बजे से तो 11 बजे तक तो शायद लड़की की मृत्यु हो चुकी है। मैं 11:30 बजे से हुई अभी तक मेरे घर नहीं गया है अभी तक सुरेश के घर नहीं गया है। मैं बताऊं मतलब शाम का कोई मेरे को फोन किया इसने कोई बोले ऐसे ऐसे कोई घटना बोलो एक लड़का उड्डा का मोनू ने मेरे से फोन किया पूछा भाई ऐसी घटना हो गई बोलो मारा छड़ी होगी कोई मुको कोई ज्यादा किसी के लागी बोलो ना ज्यादा तो कोई लागी पर मोनू बोलो भाई इतना आदमी आया था बोले मारा छेड़ी कर गया। मैं बोले सुबह इकट्ठा कराऊंगा उन्हें या डंड देंगा या पुलिस कार्रवाई कराऊंगा और या पिटाऊंगा मुखो गांव के बीच में इकट्ठा करूँ बोल ठीक है। सुबह फिर मैं फोन सुरेश से मेरी बात हुई सुरेश बोले भाई मेरी लड़की का तकलीफ है और मैं लेके लुवारू जा रही हूँ तो मुझे ठीक है बच्चे ने दिखा लिया तकलीफ है तो लेके चल जा लेके चल गयो। बाद में फिर मैं उनके घर आयो तो उस टाइम पे जाया हुआ था पिलानी होगा शायद पिलानी जाया हुआ था। उसके बाद में इससे फ़ोन से मैं पता किया जी मतलब मेरी लड़की ख़त्म हो गई फिर बस इतनी ही मेरी बात हुई। उसके बाद मैं सूरजगढ़ या बच्ची को ये सूरजगढ़ लेके आ गए मैं भी यहाँ सूरजगढ़ मेरे को बताया कि बच्ची की प्लेट डाउन है। मैंने इसे बताया है कि आप पपीते के पत्ते का जूस और बच्ची को पिलाओ और जल्दी डॉक्टर के ले जाओ अगर प्लेट डाउन है नहीं मैं तो बताई देसी इलाज के तौर पर उनको इस बच्ची को आप जल्दी डॉक्टर के लेके जाओ सामने बच्ची प्लेट डाउन तरह खुद बच्ची पूरी डाउन हो नहीं कल नहीं परसों की बात है कल फैसला का कल सुबह की बात है जी। अगर मेरी बात सुन मेरे से बात नहीं हुई ऐसी मेरे से कोई बात नहीं हुई जी ये बात को प्लेट डाउन की वो कह रहा था कि 376 का मुकदमा लगा दो इसी का ये आदमी है वो 376 का कह रहा बोले क्या मतलब हुआ झूठी बोले आदमी को झूठी बात पकड़ा रहे को मतलब इस चीज को घसोदे का मतलब प्लेट डाउन हो गई डॉक्टर हो गया सरपंच साहब ये वोटों की राजनीति के कारण हत्या करवाई गई है बच्ची की। सबसे पहली तो मैं जलको झुंझुनू को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं कि जब भी कहीं समाज के साथ कोई परिवार के साथ अन्याय हुआ तो सबसे पहले जलको झुंझुनू सबसे पहली झुंझुनू जिले के अंदर पहुंचा यूं पहली भी झुंझुनू के अंदर एक मामला हुआ पिलानी के अंदर भी मामले हुए थे बहुत जोर शोर हुआ आवाज उठाई और आज उन्हें बिना बताया मतलब माने पता ही नहीं हो तो भी था जे खबर लगी थी उन्हें पहुंचा और ये जो मामलो है ये सूरजगढ़ तहसील को सड़जुला जो गाँव है वे गाँव को मामलो है परसों 17 तारीख ने शाम ने 9:45 की बात है 9:45 दिन में कोई बच्चों की कोई लड़ाई हुई थी इनके कोई पड़ोसी जो बच्चा है उसके साथ जो सामने वाली पार्टी है जो 7 आरोपी मुख्य जो आरोपी बनाए गए हैं एफआईआर के अंदर उन जो आरोपियों की जो बाजू में जो घर है उन बच्चों के साथ में कोई लड़ाई हुई थी तो वो जो आरोपी थे वो नशे के अंदर धुत थे उन लोगों ने उनको धक्का मारा धक्का मारने से वो लड़की पूरी रात सदमे के अंदर रही रातों रात ये लोग वहां से हॉस्पिटल में एडमिट कराई थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आते हैं ठीक है 12 बजे ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए थानेदार मुद्दे को बोलते हैं लेकिन रिपोर्ट पूरे दिन नहीं लिखी जाती है पता नहीं पुलिस प्रशासन किस दबाव में था ठीक है शाम को 7 बजे इन्होंने हाँ ही थाने के अंदर जब सामने बच्ची की हत्या हो गई है अगर परिवार चाहता है कि इस मामले में आप एफआईआर कीजिए उसके बाद पुलिस कौन से ऐसे दबाव के अंदर थी जो उन्होंने शाम को 7 बजे एफआईआर दर्ज की। कल से बच्ची का शव यहाँ पे रखा हुआ है ठीक है बोर्ड से पूरी जांच करवा ली गई अभी रिपोर्ट आनी भी बाकी है ठीक है इन्होंने जो धाराएं दर्ज की है इसके अंदर 143 323 382 और अपने 304 ठीक है इसके तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है 7 मुख्य आरोपित हैं। कल से बच्ची सुबह से एक्सपायर होने के बाद शाम को 7 बजे एफआईआर भी दर्ज हो जाती है उसके बाद अभी तक आरोपी सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी हम थानेदार मुद्दे से मिले उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तारी करेंगे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन परिवार की एक ही मांग है कि जब तक हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता जब तक 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं हो जाते तब तक हम सब को नहीं उठाएंगे। अभी तक मेरी विधायक जी से बात नहीं हुई एसएचओ साहब से बात हुई बैठ के और इन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे बोर्ड से इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया है और अभी तक की जो एसएचओ साहब की है कार्रवाई उससे हम संतुष्ट हैं क्योंकि
बच्ची के कोई चोट का निशान नहीं पाया गया, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं कर, लेकिन एक जो साथ में लड़का है उसके चोट है उसकी वजह से वो गिरफ्तार करेंगे जल्दी ही, और पूरा गांव पीड़ित परिवार के तो साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बाकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जब इतना बड़ा अपराधी है जो सरियाओं में इस तरीके से घटनाएं कर जाता है, ठीक है, आज ये परिवार के साथ एक बच्ची का वो हुआ, इन्होंने मुकदमा कर दिया, कल को वो लोग इनके परिवार के साथ भी कोई दूसरी घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? हम पुलिस प्रशासन से इनसे प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि इनके परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि कल को कोई दूसरी घटना होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बच्ची को उन्हें पकड़ के ले आऊंगा, ना जाएंगे बाद में उठाऊंगा, चाहे 10 दिन लिख जाओ उही रखा। तो यो मामलो जब हुयो तो थाने का पतो लाग्यो? माने कल दोपहर के बाद में पतो लाग्यो, परसों शाम को कौन पतो लाग्यो? थाने शाम की भी कौन पतो लाग्यो? नहीं, शाम को कौन पतो लाग्यो? माने जब लड़की की मृत्यु हो जाती है, डेथ होने के बाद मैंने घर फोन गया, फिर मैं मारे जीजू से बात करी, भैया बोलिया कि थे आ जाओ रे भाई, लड़की की डेथ हो चुकी है, मैं थाने पहुंच गया। 7 आरोपी में एक या दो भी गिरफ्तार को नहीं आंगन, खाली आता भी प्रशासन का है, लेकिन मैं डेड बॉडी को नहीं उठावा जब तक बैंक कुछ आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। मारी मांग है 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ नहीं तो उठा के लावे बैंक, बाद में डेड बॉडी उठावांगा। 3 मुख्य आरोपी थे उनको तो, हाँ 3 मुख्य आरोपी मैंने पकड़े, बाकी 7 वांगो नाम है, ठीक है, और बैंक बाद में आगे की जाँच है, बम के रिपोर्ट आवे के नहीं आवे के पतो, कोई दबाव के कारण जांच ने दबा दी। जो अठाका थाना अधिकारी ही बाकन पहुंचे, हाँ बाऊ आप बातचीत करांगा कि ये मामला पर बाको के खड़ो है। देखिए मैडम, जैसे ही मैं उस समय जैसे रिपोर्ट आई थी यहाँ पर, उस समय मैं इन्वेस्टिगेशन में गया हुआ था काकोड़ा, और जैसे ही पता चला यहाँ से फोन गया कि साहब ऐसी बात है, तो मैंने तुरंत उसकी जो बॉडी थी उसको सीएससी अपने सूरजगढ़ में रखवाई, और सीधे ही मैं सूरजगढ़ पहुंचा, वहां जाकर के मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया बोर्ड से, और उसके बाद में पीएमआर करवाया, और मौके पे ही हमने रिपोर्ट ली, और रिपोर्ट लेकर वापसी हमने तुरंत दर्ज करवा दिया। जैसे हम वापस आए थाने पे वो दर्ज हमने हमारे तरफ से करवा दिया दर्ज। सर एक बात तो निकल के आवा है कि भाई पुलिस वाला पर तो राजनीतिक दबाव है, तो भाई इसलिए जांच कौन कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, राजनीतिक दबाव वाला कहने को तो लोग कह दें ये, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुकदमा हमने दर्ज नहीं किया, जो डाउट था उसके लिए हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है, तो ऐसे कोई वो डाउट नहीं है, जो तफ्तीश है वो बिल्कुल कंटिन्यू जारी है, जो आरोपी इसमें हैं उनके लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है रिटर्न करने के लिए। सर अब देखो लड़की की डेथ हुई 12-24 घंटों से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो अभी तक कोई मुजरिम गिरफ्तार को नहीं हो, तो इकलिए थे अभी जाँच पड़ताल कितनी के खरी? देखो बिल्कुल, जो गांव के जो हमारे जो मुखबिर हैं उनको भी हमने इस बारे में बताया गया है कि जैसे ही उनकी सूचना मिलेगी उसके बारे में हमें अवगत कराएंगे, और हमें जो टेक्निकल जो है जो हमारी साइबर टीम है उसको भी हमने उनके नंबर वगैरह डलवा रखे हैं, जैसे ही हमें उनके एक्टिव होगा तो हम उनको रिटेन कर लेंगे। लग रहे हैं सर, पूरी टीम लग रही है। इस वीडियो के बारे में थे के सोचो हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।